साल लुधियाना पहुंची। उन्होंने बताया कि यह फिल्म हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों को दर्शाती है और दोनों देशों के रिश्ते सही न होने के कारण यह फिल्म पाकिस्तान में नहीं दिखाई जाएगी। टाइम्स पंजाब के शो गोल्डन टॉक्स विद शिप्रा में सारे लुधियानवीज का वार्म वार्म वेलकम। यस, वी आर हियर इन स्मार्ट सिटी लुधियाना टू इंट्रोड्यूस यू टू द वन ऑफ द वेरी गॉर्जियस स्वीट एंड वी कैन से मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस मिस मोनिका गिल। सो नॉट वेस्टिंग सो मच टाइम, लेट्स मीट हर। हेलो मैम, वेलकम टू टाइम्स पंजाब टीवी। थैंक यू सो मच, इट्स एन एब्सोल्यूट प्लेजर टू बी हियर। सॉरी आई एम लूजिंग माय वॉइस अ लिटिल बिट। इट्स ओके मैम, हाउ आर यू? I'm excellent. I'm doing really, really well. We're on the last leg of promotions, and I'm very glad to be in Ludhiana. It's such a high-end, fashionable city. Ma'am, सबसे पहले आप ये बताइए कि you are an Indian-American model and actress. तो पंजाबी movies में आपका interest कब से है? Punjabi films happened accidentally, actually. I was working for a pharmaceutical company when I won Miss India USA. Okay. I'd come to India to prepare for Miss India Worldwide, and Tip signed me for Kaptaan in Amritsar, yeah. Okay. So that's what happened. And that was your first debut movie in 2017? 16. Amritsar. Amritsar was my debut, then came okay. Kaptaan, and then Sardarji 2 in 2016. And how was your experience while working with Diljit Dosanjh? It was great. He's an absolute superstar and such an amazing human being. तो मैम उसके बाद आपने कौन सी मूवी की? उसके बाद थी मेरी हिंदी डेब्यू फिरंगी कपिल शर्मा के साथ। ओके ओके ओके, तो मैम कपिल शर्मा इज अ वेरी गुड कॉमेडियन एंड एक्टर, उनके साथ आपने जब वाइल योर शूटिंग टाइम उन्होंने आपको कितना हंसाया? बहुत ज़्यादा। वो सेट का माहौल बहुत अच्छा था। ऐसे लग रहा था जैसे एक परिवार हो। उनके मॉम और उनकी फियांसे हमेशा सेट पे थे, अब उनकी वाइफ हो गई हैं गिनी, सो हम सब ने साथ मिल के बहुत मज़ा किया। Don't you want to work in Bollywood movies also? I do. I had Pultan released last year, which was with JP Dutta. He had made Border. So I'm picking projects that I want to be a part of. Okay. So ma'am, aap India kitne time baad, jaise aap just for shooting aap India aate hain? I come as I have work. Like ab main aayi hoon 3-4 hafton ke liye kyunki meri promotions hai. Jab shoot hota hai tab aati hoon, jab shopping karni hoti hai tab aati hoon. Do you like to do shopping in India? I mean, yeah, I love Indian clothes. That's great. Yeah. And ma'am, Ludhiana aake aapko kaisa feel ho raha hai? Bahut acha. I think we just came from another kind of like a media interaction, and there they showed us a video in which they had people had called Ludhiana the Manchester of India, and that's exactly what it is. High end, those are fabulous boutiques. It's a commercial hub. It's very nice. मैम एक आपकी हमने मूवी देखी थी सरदार जी 2, जिसमें आपने मार्शल आर्ट्स शो किए थे, तो उसमें आप रियल में भी मार्शल आर्ट्स की उसमें आप में टैलेंट है या जस्ट वो मूवी में आपका कैरेक्टर उस टाइप का था? नहीं नहीं, वो अ लॉट ऑफ दैट वाज डबल्स, उसमें मेरे डबल यूज़ किए गए थे, लेकिन क्योंकि वो जो उसमें लड़की थी, आई थिंक उसका नाम था सोनी के मेरे कैरेक्टर का, वो गुस्से वाली थी, तो गुस्सा जाहिर कैसे करते हैं मारपीट से, तो वो ही। बट वी मस्ट से दैट रोल वॉज वेरी अप्रिशिएटेड बाई एवरी वन, मतलब यू वॉज लुकिंग सो गॉर्जियस इन दैट रोल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैम एक चीज़ आप बताइए, अभी आपकी मूवी आ रही है 11वें जी, उसके बारे में कुछ बताइए व्यूवर्स को। हाँ जी हाँ, हमारी फिल्म आ रही है, मेरी और गगन कोकरी की फिल्म 11वें, जो कि 5 अप्रैल इस फ्राइडे रिलीज़ हो रही है। उम्मीद है कि आप सब अपने परिवार समेत इस फिल्म को देख के आएंगे और अप्रिशिएट करेंगे, और अपने पूरे फैमिली फ्रेंड्स नेबर्स सबको साथ लेके जाएंगे। बहुत लोगों ने बहुत मेहनत की है और उम्मीद है कि इस मेहनत को आप अप्रिशिएट करोगे। थैंक यू। किस टाइप की मूवी है ये एंड कैसा करेक्टर है आपका इस मूवी में? जी ये 1947 के पार्टीशन में पे आधारित है और एक कॉमेडी फिल्म है। हमने पार्टीशन इसलिए यूज़ किया क्योंकि ये दिखाने के लिए मज़हब लोगों को कैसे डिवाइड करते हैं। तीन दोस्तों की कहानी है, एक हिंदू बच्चा, एक सिख और एक मुस्लिम, और उनकी दोस्ती की। मेरे कैरेक्टर का नाम है नसीबो, 1947 की एक लड़की है, उसको यू नो शर्म बहुत प्यारी है। बूटे नाम के लड़के से उससे उसको प्यार हो जाता है, उसकी मंगनी एक बख्तू नाम के लड़के से हो जाती है, और उसको समझ नहीं आता वो क्या करे, ना ही तो अपने माँ बाप को बोल सकती है, ना जिसको प्यार करती है उसको इजहार कर सकती है, बस उम्मीद कर सकती है कि पख्तू को समझ आ जाएगी, सॉरी बूटे को समझ आ जाएगी और वो कुछ करेगा।
मैम 1947 का जैसे हमने अभी हाईलाइट्स देखे मूवी के कुछ, तो कितना चैलेंजिंग रोल था आपके लिए वो उस टाइम पे बैकग्राउंड में जाना और वो अटायर्स भी वैसे? और जी बिल्कुल नहीं, डिफ़िकल्ट तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मेरी जो दादी जी हैं वो हरियाबाद पाकिस्तान में, उनके जन्म स्थान है, मेरे नान के दाद के दोनों पाकिस्तान पंजाब से हैं, और मैं उन्हें ऑफ्टन टाइम्स उनको देखा है, जैसे वो कपड़े पहनती हैं, जैसे वो बिहेव करती हैं, उनका लहजा, उनके बोलने का स्टाइल, वो मैंने बहुत यूज़ किया, वो मेरी एक्चुअल रेफरेंस थी इस कैरेक्टर को बनाने के लिए, एंड वो चीज़ मेरे बहुत काम आई। जो प्रॉब्लम आई थी वो था बोलने का डायलेक्ट, क्योंकि मैं दुआबे की हूँ और ये जो लैंग्वेज थी अमृतसर की, आपको पता है पंजाब में पंजाबी कितनी बदलती है, पूरे इंडिया में 10 कोस बाद लैंग्वेज ही बदल जाती है, सो ये बात थी। मैम उस टाइम में कितना टाइम लगा आपको उस मूवी को कंप्लीट करने में? मूवी को 1 महीने में हो गई थी। अच्छा, 1 महीने में मूवी कंप्लीट हो गई थी, वेरी लेस टाइम। जी, और सब इतने मिलजुल के घुले थे इस फिल्म में, क्योंकि प्यार था फिल्म के साथ सबको। तो ये मूवी मैम जैसे शो किया है इसमें कि पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस कहीं ना कहीं अब तो बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो चुके हैं, काफ़ी कंडीशंस हैं, काफ़ी सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जाते हैं। आपने भी सुना जो पुलवामा अटैक हुआ था, तो आपको लगता है कि इस मूवी के आने के बाद कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप्स में कुछ स्ट्रांगनेस आएगी? जी, पहली बात हमको वी हैव अ लॉट ऑफ सिंपैथी फॉर सोल्जर्स, सोल्जर्स फैमिलीज एंड द पीपल दैट that passed away in the Pulwama attack. Nowhere was mine or the makers of this film's intention to ever hurt any sentiments. We respect them. This film, if anything, is about love and friendship. We've shown how governments split Punjab and they never once thought about what would happen to the people. When tensions get fired up on the border, it's soldiers and soldiers' families that are at stake. I always say ਵੀ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। Nobody gains anything from war. The only thing I can hope and plead is that when tensions do get riled up, that people understand what's at stake and calm themselves down. It's governments that cause tensions and cause issues, not people. So don't risk losing lives for because of anger. Think with clear minds. मैम वट मैसेज वुड यू वॉन्ट टू पास टू व्यूवर्स, टू योर फैंस, कि अभी आपकी ये मूवी आ रही है तो वी वॉन्ट कि आप अपील कीजिए कि इतनी ब्यूटीफुल मूवी एंटायर टीम लेके आ रही है आपकी 11वें, जिसमें आई थिंक बहुत एक ब्यूटीफुल मैसेज मिलेगा पाकिस्तान और इंडिया दोनों के लिए। हाँ। तो हम चाहते हैं कि आप अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस यही देना चाहेंगे कि बहुत लोगों ने बहुत मेहनत की है, तो आप प्लीज़ इस मेहनत को अप्रिशिएट कीजिए और 5 तारीख को 11वें देखने चलिए, प्लीज़ देखने जाइए। थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। तो आपने देखा, यह थे हमारे साथ वेरी गॉर्जियस एंड मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस मिस मोनिका गिल, जिनकी मूवी रिलीज़ होने जा रही है 5 अप्रैल को 11वें। और अभी आपने देखा हमने शेयर किए उनसे इतने ब्यूटीफुल मोमेंट्स, और उन्होंने हमें ये भी बताया कि इस मूवी में पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस जो पहले के टाइम पे थे होते थे, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी आपस में रिलेशंस में, फिर से ये मूवी इस चीज़ को हाईलाइट करेगी। और उन्होंने अपील की सबसे कि इस मूवी को ज़रूर देखने जाइए जो रिलीज़ होने जा रही है 5 अप्रैल को। कैमरामैन अमनदीप के साथ शिप्रा बसरीजा, टाइम्स पंजाब टीवी।